क्लास इलेवेंथ के सभी विद्यार्थी लो जी आपके लिए यहाँ पर जो आपका पेपर है राजनीति शास्त्र का हंड्रेड परसेंट गारंटेड हंड्रेड परसेंट गारंटेड जो क्वेश्चन पेपर है वही क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं ठीक है अस्सी नंबर का आपका पूर्णांक है और आइए समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे और सबसे पहला जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुसूचिया है देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचिया है ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने आठ नौ ग्यारह और बारह तो बारह एकदम राइट रहेगा मतदाता दिवस राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है वो पच्चीस जनवरी को मनाया जाता है किसको पच्चीस जनवरी को इसके बाद में अगला है हमारा दल बदल विरोधी कानून की संविधान संशोधन से संबंधित है ठीक है तो ये है आपका बावनवा संशोधन कौन सा बावनवा संशोधन स्वराज्य स्वराज्य का अर्थ है ठीक है स्वराज्य का जो अर्थ क्या है तो स्वराज्य का अर्थ होता है स्व के ऊपर शासन ठीक है हंड्रेड परसेंट श्योर बैठा ठीक है आप तो ध्यान दीजिएगा जो हंड्रेड परसेंट गारंटेड है ये ठीक है आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिएगा यही चीजें आपकी रियल क्वेश्चन पेपर में आ रही है भारत का संविधान है भारत का संविधान है लिखित एवं निर्मित ठीक है भारत का संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहां से लिया गया तो वो लिया गया था फ्रांस से ठीक है अब देखिए अगला है आपका रिक्त स्थान रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान को देखते हैं पहला रिक्त स्थान है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या होती है संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या है वो होती है अठारह कितनी है 18. भारत निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त तो होते हैं क्या है इसका मतलब इसका मतलब है एक चुनाव आयोग और एक निर्वाचन आयुक्त तो होता है निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर अपना भर देंगे निर्वाचन आयुक्त ठीक है तीसरा देखिए यहां पर है तीसरा है आपका राजनीति दलों का चुनाव चिन्ह सब जानते हैं बेटा भारतीय चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग ये चुनाव चिन्ह प्रदान कराता है ठीक है चलिए अगला पढ़ते हैं अगला क्या है हमारा क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से ठीक है यहां पर व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का जो समर्थक है वो कौन है तो ये नहीं मिल पाया इसलिए नहीं बताऊंगा देखिए हंड्रेड परसेंट श्योर रहिएगा जो चीजें बता रहा हूँ वही आपके एग्जाम में आ रही है ना भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है पांच वर्ष का होता है पांच वर्ष का होता है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई जॉन रॉल्स के द्वारा किसके द्वारा जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई थी किसके द्वारा जल्दी से बताइए जॉन डेट क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट वारंटेड क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन पेपर के आपके हैं जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का रियल क्वेश्चन पेपर है उसके सारे क्वेश्चन है मैंने कुछ आप समझदार हैं एडिट कर लिए ताकि आपका काम भी हो जाए और हम भी थोड़ा सा एमपी बोर्ड की नज़र से काम अपना हो जाए चल जाए काम आपका बस ठीक है यही उद्देश्य हमारा है चलिए तो इन क्वेश्चनों को जरूर कंप्लीट करके जाइएगा एक बार परीक्षा में आने से पहले क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन क्या है ठीक है नीति निर्देशक तत्व क्या है स्वराज्य दल के कोई तीन कार्य आपको बताने हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है ठीक है इतनी चीजें गई। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया अपने ये क्वेश्चन नंबर पांच तक आपने कंप्लीट कर लीजिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि यहाँ से क्रिप्स मिशन ये ये हो गया तो यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा के सदस्य की योग्यता लिखनी है संसद के कोई दो कार्य लिखने हैं दल बदल क्या है समझाना है आपको दल बदल क्या है और इसको समझाना है ठीक है आप तो बिल्कुल चिंता मत करिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना हंड्रेड परसेंट श्योर आप कंप्लीट करिए वही चीज आप एग्जाम आ रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं आ, विधेयक कितने प्रकार के हैं हैं ये रियल क्वेश्चन पेपर के ही सारे क्वेश्चन है स्वतंत्रता का क्या महत्व है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है ठीक है भैया यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह आपका राजनीतिक सिद्धांत क्या है नौकरशाही क्या है स्वतंत्रता क्या है ठीक है भैयू इसके बाद में यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार अनु इस अनुच्छेद में दिया गया है पितृस्यता क्या है समानता के तीन आयाम कौन कौन से हैं, समाजवाद समानता का आधार क्या है लिखिए सामाजिक न्याय किसे कहते हैं बुनियादी आवश्यकताए है। क्या है न्याय का प्रमुख आधार क्या है यहाँ से देखिए जो तीन अंग प्रश्न जो आपके ठीक है एग्जाम में आ रहे हैं निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली क्या है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है चुनाव सुधार की समीक्षा देखिए बच्चों एक महत्वपूर्ण सूचना हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर यदि आप एनुअल एग्जाम के लिए एनुअल एग्जाम के लिए सेट कितने मिलेंगे आपको छह सेट विथ पीडीएफ विथ सॉल्यूशन तो आपको जैनल पर नंबर दिए गए हैं उन पर आपको कॉन्टैक्ट करना है नाम पता एड्रेस आपका बता देना है क्योंकि आप सब जानते हैं क्लास टेंथ में जब आप थे ना तो मैंने पूरी तैयारी आपकी कराई थी ठीक है इलेवेंथ में भी अपन छः तरह के मॉडल पेपर देंगे कोई रियल पेपर नहीं होंगे वो तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं उन पर उनकी श्रृंखला जो है ना वो अपन एक अक्टूबर से शुरू करने वाले मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगी तो आप जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ये कार्यपालिका किसे कहते हैं चुनाव समीक्षा हो गई है कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है समझाइए चार नंबर के जो प्रश्न आपके आ रहे हैं वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बतानी है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं राजनीति के सिद्धांत में कौटिल्य की भूमिका को समझाइए राजनीति सिद्धांत क्या है बस इतने ही क्वेश्चन है ज्यादा क्वेश्चन नहीं है पूरे रोल्स के द्वारा लिखी गई थी यहां से देखते हैं सत्य और असत्य तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है सत्य और असत्य ठीक है थीके? तो तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा पहला जो है दूसरा है भारतीय संविधान में ने भारत के नागरिकों को सात मौलिक अधिकार प्रावधान किए तो सात मौलिक अधिकार प्रावधान किए क्या तो ये भैयू अपनी बात बिल्कुल राइट बात है ये भी तीसरा जो है कार्ल मास्क नहीं आएंगे चौथा भी नहीं आएगा और पांचवा जो है वो आपका देख सकते हैं ग्रामर ऑफ पोलिटिकल्स की रचना जोनस लॉस्का ने की थी तो यहां पर आपका सत्य रहेगा और ये छठा सत्य रहने वाला है सही जोड़ी की हम बात करें देखिए आप सही जोड़ी पहला जो है भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोहित सदस्य कितने हो गए बारह महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दर्जा दिया गया है राज्यसभा का पदेन सभापति जी उपराष्ट्रपति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस ये जस्टिस है तो ये जाएगा यहाँ पर जॉन रॉल्स ड्राम डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति और विधायिका का जो कार्य है वो कानून बनाना रहेगा और प्रतिभा पाटिल जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति है अब एक वाक्य में उत्तर शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना वो तेविस और अनुच्छेद चौबीस तेवीस और चौबीस में है शिक्षा का अधिकार ये आपका अनुच्छेद ट्वेंटी वन ए किस में किसमें मिलेगा अनुच्छेद ट्वेंटी वन ए में स्वराज्य का मतलब क्या होता है स्वयं का शासन स्वयं का शासन है क्या लाता है आपका स्वराज्य कहलाता है चार भारतीय राजनीतिज्ञ चिंतकों के नाम बताइए तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है थीके? और बाकी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी ठीक है तो संविधान सभा किसे कहते हैं और सामाजिक न्याय क्या है क्वेश्चन नंबर छह से आप देख सकते हैं कार्यपालिका हो गया क्वेश्चन नंबर सात देख सकते हैं यहां से आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और ये रहेगा उन्नीस ठीक है बीस इक्कीस ये बाईस है तेईस है टोटल तेईस प्रश्न और तेईस ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा अच्छे से पढ़िए अच्छे से कंप्लीट करिए मिलते हैं अगले वीडियो में